तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं नाम मुकेश, मैं आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ। हम तो आज के इस वीडियो में अपडेट करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं इस अपडेट को। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बग्स के बारे में, फीचर्स के बारे में। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि एसुस ने यहाँ पर बताया था कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच को चेंज किया गया है और चार और अलग से उन्होंने कुछ अपडेट्स बताया था कि हमने इसको चेंज किया है। चलो शुरू करते हैं भाई, वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे और भी फ्यूचर में अपडेट्स जानने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी पैच अपडेट को चेंज कर दिया गया है और आपको यहाँ पर 5 अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। बात करें APN लिस्ट की, तो APN लिस्ट भी यहाँ पर अपडेट हमें देखने को मिल जाती है एक्सेस पॉइंट नेम्स की। और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट हमें 1 जुलाई का देखने को मिल जाएगा। तो हम बात करें हेडफोन की, तो भाई यहाँ पर यार काफ़ी 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 ज़्यादा बेस हमें देखने को मिल रहा है हेडफोन के अंदर। एयरफोन के अंदर हमें बहुत अच्छा साउंड देखने को मिल रहा है, एकदम बेस तरीके से। आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देख लेना। हम बात करें अपने साउंड की, तो साउंड के यार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है और जो एक्स्ट्रा वॉइस थी और जो कॉलिंग के टाइम, वो भी यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर साउंड के मामले में सारा कुछ फिक्स कर दिया है। हम आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको सुनाने वाले हैं साउंड क्वालिटी की। तो एयरफोन का जो बेस क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हो चुकी है और साउंड की जो क्वालिटी थी उसको भी इम्प्रूव कर दिया है एसुस ने। और एक और यहाँ पर प्रॉब्लम था, कोई अच्छा डायलिंग का भी यहाँ पर प्रॉब्लम था, जो कॉल कनेक्ट होती थी तो वहाँ पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता था। तो हम चलो साउंड की क्वालिटी को हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सारा कुछ फिक्स हो चुका है। जब कॉल आता था तो यहाँ पर एकदम से खतरनाक वाला साउंड हमें सुनने को मिलता था। तो चलो हम शुरू करते हैं और आपको तो आपने साउंड क्वालिटी तो सुन ली और आप यहाँ पर जज कर सकते हैं कि यार जो पिछला अपडेट था उससे कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। और कॉलिंग के टाइम एकदम से यार ख़तरनाक तरीके से, इतना ख़तरनाक साउंड आता था अगर कोई कॉल आता है तो मतलब लोग डर जाते थे। तो इस तरीके से हमें मतलब कि और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा फटी हमें देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर इम्प्रूव हो चुकी है साउंड की और एयरफोन की क्वालिटी। और हम बात कर रैम मैनेजमेंट वगैरह की, तो रैम मैनेजमेंट ठीक हो चुका है। और हालाँकि रैम मैनेजमेंट कोई अपग्रेड नहीं किया गया है हालाँकि उस, लेकिन फिर भी उससे अच्छा हमें रैम मैनेजमेंट देखने को मिलता है। हालाँकि मैं गेम्स बहुत कम खेलता हूँ तो गेम्स के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता हूँ। और बात करें कैमरा की, तो कैमरा के अंदर कोई अपडेट नहीं है, इस कारण से कैमरा को ओपन करना ही यहाँ पर टाइम बर्बाद करना रहेगा। तो कैमरे के अंदर तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है। हम बात करें अगर बैटरी की, तो बैटरी के अंदर हमें ना ही यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन हम एक आपको आइडिया ज़रूर देने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैटरी वगैरह काम कर रहा है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग सारा कुछ आपको एक ऐप के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जो डेटा को यहाँ पर स्टोर करता है अपने ऐप के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं, उस ऐप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम एकदम स्मूथ तरीके से काम कर रहा है और कभी कबार अभी तक तो हालांकि कोई भी बक्स हमें देखने को नहीं मिला है। और अगर हम बक्स की बात भी आगे करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी के अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप इसका जो अंदाज़ा है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस ऐप के अंदर। यहाँ पर चार्जिंग की और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों को यहाँ पर मॉनिटर करता है। हिस्ट्री के अंदर आपको चल के दिखाते हैं, तो +12% चार्ज हुआ 27 मिनट 50 सेकंड के अंदर। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि मैं चार्ज नहीं करता, मैं पावर बैंक से चार्ज करता हूँ जिसके अंदर मुझे अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी मिलता है और चार्जिंग टाइम भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है और चार्जिंग रैपिडली शो करता है। जो प्रॉब्लम था चार्जिंग रैपिडली का, तो वो भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। और आप यहाँ पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग सारा यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं जब से मैंने इसको अपडेट किया है 9.4.3.2 अपडेट के अंदर। +20% चार्ज हुआ 47 मिनट्स और 54 सेकंड के अंदर और -61 यहाँ पर 13 घंटे के अंदर मतलब यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो बैटरी का तो यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रही है चार्जिंग डिस्चार्जिंग। और अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर बैटरी की बात करें तो बैटरी परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बैटरी ढंग से काम कर रही है और सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है। अब हम बात करने वाले हैं बग्स के बारे में और बैटरी का आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि माइनस और प्लस पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों यहाँ पर हमें मेजर करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारा डेटा हमें यहाँ पर आपके सामने रख दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम बात करें बग्स की, तो हमें सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर बग्स मिल रहे हैं। पहला बग हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं सर्च के अंदर, सर्च
सेट यहाँ पर आपको दिख रही है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वाइट वाइट सा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ईमेल और कस्टमाइजेशन की भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये दो बक्स जो एक सेटिंग के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत पहले हालांकि ऐसे उसको सुधार देना चाहिए थी, लेकिन अभी तक इसको इम्प्रूव नहीं किया है। कस्टमाइज और ZBusiness 601 केयर ये हमें देखने को मिलता है, और हमें एड ईमेल एड्रेस का भी अभी इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है, तो इस कारण से अभी यहाँ पर ये ईमेल वाला देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही हो रहा है। यहाँ पर सर्च बार में भी यहाँ पर ये वाइट वाइट सा देखने को मिल रहा है, और अभी मैंने डार्क मोड लगा करके रखा है फिर भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यार ये दो बग्स हमें सेटिंग के अंदर एक जो छोटे बग हैं, लेकिन यार फिर भी बग्स तो बग ही होते हैं, ये अभी तक यार ऐसे उसको सुधार देना चाहिए था। तो हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर बग्स की, तो हम तीसरे बग की बात करें गूगल विजेट के अंदर, और यहाँ पर ये रिमूवेबल नहीं है, इसको हम यहाँ से वहाँ नहीं खिसका सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, जो कि एसुस ने इसको भी ठीक नहीं किया है। लास्ट और आखिरी बग के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो वो है ऐप ड्रॉअर का बग, जो कि यार कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है, और पहली बार आपको हो सकता है कि आपको ये बग देखने को मिले, लेकिन ये आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर का बग, स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा जो मुझे मिला था, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्लैंक शो कर रहा है, यहां पर जब भी हम ऐप ड्रॉअर को ओपन करते हैं कभी कभार ये बग देखने को मिलता है, तो हमें सारे ऐप्स ब्लैंक देखने को मिलते हैं। मैं आपको फिर बता दूँ कि ये ऐप हमें बार बार देख ये बग हमें बार बार देखने को नहीं मिलेगा, ये कभी कभार देखने को मिलता है जब कुछ यहाँ पर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। तो इस कारण से तो ये एक और बग है जो कि हमें देखने को मिलता है, जब हम कॉल पर रहते हैं तो वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन काम नहीं करते हैं, कॉल का वॉल्यूम कम या तेज़ नहीं होता है। तो ये बग बहुत दिनों से है, जो कि मैंने आज आपको बता दिया है। तो ये बग हमें काफ़ी बार देखने को मिलता है, और कॉलिंग के ऊपर वॉल्यूम बटन काम नहीं करते हैं, कुछ एकदम परफेक्ट पहले के जैसा है, कोई भी बग यहाँ पर नहीं है। हालांकि जेनटॉक के अंदर कुछ लोगों ने इस तरीके से हमें स्क्रीनशॉट दिखाया कि यहाँ पर ये बग हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे में ये बग देखने को नहीं मिल रहा है। एकदम बैटरी सेवर, आई केयर, सब कुछ यहाँ पर ढंग से काम कर रहा है। और हालांकि हम बात करें हॉटस्पॉट की, तो हॉटस्पॉट के अंदर हमें 5 बैंड का अभी भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ पर अभी माइनस पॉइंट की हमें बात होगी, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। तो एकदम एवरेज तरीके से हमारा फ़ोन सही चल रहा है, एकदम इम्प्रूवमेंट हो चुका है, जो एसुस ने क्लेम किए हैं उसको इम्प्रूव कर दिया गया है, और परफॉर्मेंस भी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है, पहले से थोड़ा और इम्प्रूव मुझे लगा है मेरा मैक्स रैम। यहाँ पर बिल्ड नंबर की बात करें तो 432, और हम चलते हैं एंड्रॉइड 10 के अंदर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्ड नंबर 432 आ चुका है। कर्नल वर्जन गूगल प्ले सिस्टम अपडेट एंड्रॉइड 10 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बीटा 4 है। और ये कब तक देखने को मिलेगा, बीटा 4 स्टेबल कब तक आएगा, कोई किसी को यह नॉलेज अभी तक नहीं है। एंड्रॉइड 10 है बस, इतने में ही खुश रहा हूँ, एंड्रॉइड 11 का अपडेट हमें देखने को नहीं मिलेगा ऐसे ज़ेनफोन मैक्स रैमन के लिए। तो यही आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो, क्योंकि हम फ्यूचर में ऐसे ही आपको अपडेट्स देते रहेंगे मैक्स रैमन के अंदर सबसे पहले अपने चैनल के ऊपर। तो कोई प्रॉब्लम आए तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, कोई बग्स नज़र आए तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ और भी डिटेल में वो आपको मिल जाएगा। तो बस यही आज का वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए। तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, घर पर रहें, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।